हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ ग्रैंड लीग से रिलेटेड, जो कि आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप ड्रीम इलेवन एटलीस्ट खेल रहे हो तो, या फिर आप न्यू यूज़र हो और ड्रीम इलेवन खेलना चाहते हो तो। नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, आपको 100 रुपीज़ का कैश बोनस मिलेगा। लेकिन अगर आप ज्वाइन कर चुके हो और आप नए हो, ज़्यादा मैच नहीं खेले हो, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। और जो लोग खेल चुके हैं वो अगर हार रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं पहले जो है दो टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। पहला है ग्रैंड लीग की असलियत के बारे में, रियल और फेक है। और दूसरा टॉपिक है आपको ड्रीम इलेवन खेलना चाहिए या नहीं, तो आपको प्ले करना चाहिए या नहीं। तो पहले टॉपिक के बारे में पहले बात करते हैं कि ग्रैंड लीग रियल है या फेक है। तो फ्रेंड, पहले जब हालांकि अभी जो है 2018 चल रहा है, तो और मैं ड्रीम इलेवन अराउंड 2015 में मैंने स्टार्ट किया है, तो मेरे पास लगभग जो है 3 साल का मेरे एक्सपीरियंस है और मेरा चैनल को लगभग 1 साल हो गया है। तो मैं सिर्फ पहले की बात करूँ तो पहले अगर बात करते हैं तो मैंने 2016 में और 2017 के पहले पहले में मैंने जो है 2 बार ग्रैंड लीग विन किया हुआ है, ठीक है। तो तब की बात और अब की बात में बहुत सारे डिफरेंस दिखाई देती है। जैसे कि अगर आप कोई भी मैच ले लो, ठीक है, कोई भी मैच पे अगर आप ग्रैंड लीग की टीम खोलो तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, इनकी रैंकिंग देख सकते हो, लेवल देख सकते हो, जो कि पहले नहीं होता था, ठीक है। कौन से देख सकते हो, मैचेस देखते हो, कितने विन किया है, प्रीवियस मैच जो उनने किया है तो क्या क्या खेला किया है, सब कुछ आप देख सकते हो। ये जो है इम्प्रूवमेंट और अपडेट जो है ड्रीम इलेवन ने जो है अपनी एप्लीकेशन में दिया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें और भी, पहले कबड्डी हुआ करती थी, अभी हालांकि कबड्डी नहीं है, इसलिए कबड्डी जो है अभी ऑप्शन नहीं है। जब कबड्डी आएगी तो यहाँ पर कबड्डी भी जो है अपडेट कर देगी। तो बात कर लेते हैं ग्रैंड लीग के बारे में, ठीक है। कोई भी अगर मैं ग्रैंड लीग की बात करूं, जैसे कि छोटा ग्रैंड लीग है, इसका विनिंग प्राइस है, फर्स्ट प्राइस 1 लाख है, ठीक है। टोटल प्राइस जो है 3 लाख है। हम लोगों को तो अर्निंग पता ही है कहाँ से ये लोग अर्निंग करते हैं। अगर आप इनसे आप इतने से जो इतने को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो 3 लाख से ज़्यादा ही होगा, बहुत ही ज़्यादा। जो 3 लाख से ज़्यादा जो उन लोगों के पास इनटू करके आता है वो उनका जो है प्रॉफिट होता है, ठीक है। हमें इतना पता है प्रॉफिट होता है, तब प्रॉफिट होता है फिर भी ये लोग क्यों फ्रॉड करते हैं, ये चीज़ मैं आपको बता दूं। क्योंकि अगर समझ लीजिए, पहला प्राइस अगर इन्होंने खुद से ही रख लिया, ठीक है, खुद से ही रख लिया, तो डायरेक्टली इनको जो है 1 लाख का प्रॉफिट होता है, ठीक है। ऐसा कर भी सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मुझे अभी जो लगता था, अगर आप मुझसे पूछते 2017 की पहले, तो मैं कहता 100% लीगल है, 100% जेन्युइन एप्लीकेशन है, पैसा देती है, फ्रॉड नहीं करती है मेरे, तो 2017 से पहले मैं आपको कहता। लेकिन 2018 से, जब से आईपीएल के बाद मैं देख रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें जो है गलत हो रही है ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन पे, बहुत सारी चीज़ें। अगर मैं आपको बताने बैठा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही है। तो उससे रिलेटेड, जैसे कि अगर मैं आपको देखूं, मैं रिसेंटली ड्रीम इलेवन खेलता ही नहीं, आपको सिर्फ मैं टीम देता हूं, ठीक है। और जो टीम देता हूं वही पे मैं हेड टू हेड या फिर 3 मेंबर 4 मेंबर, अगर मैं आपको बताता हूं कि मैं ग्रैंड लीग खेल रहा हूं तो ग्रैंड लीग की मैं आपको टीम देता हूं, बस इतनी सी है। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट, ग्रैंड लीग में इनका कोई होप मुझे नज़र नहीं आ रहा है अभी फ़िलहाल की। क्योंकि बहुत सारे, पता नहीं, एक मैच हुआ था, मुझे याद है, शायद एक मैच हुआ था, आईपीएल का कोई मैच था, 2017 का मैच था, ठीक है, मुंबई इंडियन वर्सेस आई थिंक केकेआर के बीच में एक मैच था, ठीक है। उस मैच पे जो है मुंबई ने जो है 6 चेंजेस किया था, 6 चेंजेस, ठीक है। एक मैच से वो प्रीवियस मैच जीत के आए थे, हालांकि 2017 उन्होंने ही जीता था, तो वो प्रीवियस मैच जीत के आए थे, उसके बाद उन्होंने 6 चेंजेस किया था, लगभग जो है हर दूसरे प्लेयर को उन्होंने चेंज किया था। और वो दूसरे प्लेयर जो जिन्होंने ग्रैंड लीग, मैंने भी उस पर ग्रैंड लीग जो है ज्वाइन किया था, वो भी ग्रैंड लीग का जो प्लेयर जो फर्स्ट आया था, वो 6 प्लेयर पॉसिबल, अरे ऐसा कोई
न्यूज़ भी नहीं था या फिर कोई सोर्सेस भी नहीं था कि ये लोग खेलेंगे, क्योंकि सिक्स चेंजेस आप लोग, क्योंकि विनिंग करके आप कोई सिक्स चेंजेस आप नहीं कर सकते हैं। आपने शायद आपको ध्यान में भी होगा उस मैच पे जो है अम्बाती राइडू ने शायद 50+ मारा था, MI ने वो भी मैच जीता था KKR के अगेंस्ट। तो वो मैच से अगर आप देखेंगे आप बिलीव ही नहीं कर पाएंगे। और सारे के सारे प्लेयर जो चेंजेस हुए थे, सारे एक ने सारे के सारे प्लेयर को लिया था और अम्बाती राइडू कैप्टन थे और वो लोग ग्रैंड लीग जीत चुके थे। ये मुझे सबसे पहला जो चीज़ था, पहला जो मेरे पास जो यू नो डाउट था वो यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट हुआ, जो कि 2016 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। वहीं पे मैं एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ ड्रीम इलेवन की एक और चीज़ जो है, अगर आप अच्छा टीम बनाते हो, ठीक है, अगर आप ग्रैंड लीग के आसपास भी हो तो आप फर्स्ट तो नहीं आए होगे। अभी जो कंडीशन में देख रहा हूँ फर्स्ट नहीं आओगे, अराउंड आपके पास जो है आप 1% चांस है फर्स्ट आने के, लेकिन आप जो है सेकेंड से लेके टेंथ तक आ सकते हो अगर आप बहुत ही अच्छी टीम बनाते हो। तो हम देख लेते हैं सेकेंड से लेके टेंथ तक आपको कितना विनिंग प्राइस ये लोग देते हैं। अगर हम लोग बात कर ले सेकेंड से टेंथ तक, आपसे 10 से लेके अराउंड जो है 1000 तक आप यहाँ से जो है अर्न कर सकते हो। आप 1 लाख का सपना जो देखना छोड़ सकते हो अभी फ़िलहाल ड्रीम इलेवन पे। अब दूसरा बात करते हैं खेलना चाहिए या नहीं, ठीक है, दूसरा जो मेरा इस वीडियो का टॉपिक था, दूसरा टॉपिक जब खेलना चाहिए या नहीं। हालांकि ये मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ या फिर मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जो कि फ़िलहाल मैं अभी ड्रीम इलेवन जो है ठीक से नहीं खेल रहा हूँ। मैं आपको टीम देता हूँ उसी के लिए मुझे खेलना पड़ता है। हालांकि मैं आपको अभी मैं फ़िलहाल जो है माई टीम इलेवन खेल रहा हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है और नीचे डिस्क्रिप्शन पे वो उसका भी लिंक है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको 100 का कैश बोनस मिल जाएगा, ठीक है। फैसिलिटीज़ इनसे बहुत ही अच्छी है, हालांकि मैं किसी और वीडियो में मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। तो खेलना चाहिए, अगर आपके पास कोई अच्छा ऑल्टरनेटिव मौजूद है तो आप क्यों किसी जो है ऐसे एप्लीकेशन पे खेलोगे जिसके जो कि नियत पे जो है डाउट है, ठीक है। आपके पास ऑल्टरनेटिव मौजूद है, इससे अच्छी चीज़ है कैश बोनस आप 100% यूज़ कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे सिर्फ आप 25 रुपये एक मैच पे जो है यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें है जो कि अब ड्रीम इलेवन पे नेगेटिव की रूप ले रही है। तो एक चीज़ आप कर सकते हो, आप जो हेड टू हेड खेल सकते हो, ठीक है, हेड टू हेड खेल सकते हो, 10 मेंबर तक खेल सकते हो, क्योंकि वहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है, ठीक है। आप 100 मेंबर तक खेल सकते हो, इन लीगों में कोई फ्रॉड होने के चांसेस नहीं है, तो आप आराम से इस लीग को जो है खेल सकते हो। तो फ्रेंड ऐसा नहीं है कि मैं 100% प्रूफ के साथ जो बातें बता रहा हूँ 100% प्रूफ के साथ है, या फिर ड्रीम इलेवन बाकी में ऐसा कुछ कर रहा है या फिर वो लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है उसी रिलेटेड मैंने बताया है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को शेयर करो ताकि सब लोगों को जो है सारी डिटेल्स मालूम चले और वो लोग जो है थोड़े सतर्क हो जाए। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।